नमस्ते, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य इनसाइड स्टोरी। चार दिसंबर 2018 को 14 साल के स्कूली छात्र का शव पूर्वी बर्धमान के पूर्व स्थली में एक सरसों के खेत में मिला। मृतक की पहचान अरशद शेख के रूप में हुई, जो 3 दिसंबर सोमवार से लापता था। मंगलवार को स्थानीय लोगों ने उसका मृत शरीर देखा और पुलिस को मामले की सूचना दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द चाणक्य। आज की इनसाइड स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आगे भी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अरशद के पिता उसके जन्म से कुछ समय पहले ही गर्भवती पत्नी को छोड़कर केरल चले गए थे। अरशद जब छोटा था तभी उसकी माँ की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो अपने मामा और रिश्तेदारों के साथ पूर्व स्थली पचीमपारा में रह रहा था। वह स्थानीय स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र था। अरशद 3 दिसंबर 2018 को स्कूल से लौटने के बाद गांव में ही एक धार्मिक कार्यक्रम देखने गया था। जब वह रात तक वापस नहीं आया तो परिवार के सदस्यों ने उसे खोजना शुरू किया। रात भर तलाश करने के बावजूद अरशद का कोई पता नहीं चला। अगले दिन अरशद की फिर से तलाश शुरू हुई लेकिन उसका कहीं पता नहीं लग सका। 4 दिसंबर शाम को गाँव के कुछ लोगों ने अरशद के शव को एक सरसों के खेत के पास नहर के किनारे पड़ा देखा। उसके परिवार और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां उन्हें गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां गए और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लेंगे। अरशद के शरीर पर चोट के कई निशान मिले। उसके चेहरे का कुछ हिस्सा बिगाड़ दिया गया था। पुलिस ने अरशद के मामा राजू शेख की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस को शक था कि अरशद की हत्या किसी पारिवारिक दुश्मनी को लेकर की गई है। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने अरशद के परिवार के सदस्यों और दूसरे करीबी लोगों से पूछताछ की। शुरू में ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो पुलिस को अपराधी तक पहुंचाने में मदद कर सके। पुलिस ने अरशद के पिता सहित परिवार के प्रत्येक सदस्य के फ़ोन रिकॉर्ड की जाँच शुरू की तो पता चला कि अरशद के पिता मुर्शेद शेख को जमाल शेख के फ़ोन से कई कॉल किए गए थे। 24 साल का जमाल शेख अरशद के पड़ोस में रहता है। जब पुलिस ने केरल में मुर्शेद शेख से संपर्क किया तो मुर्शेद ने बताया कि इस नंबर से एक दिन उनके बेटे अरशद का फ़ोन आया था। फिर उनकी अरशद से बात होने लगी। अरशद ने उनसे पढ़ाई के लिए पैसे मांगे थे। उन्होंने 2 किस्तों में 13,000 रुपये भी उसे भेजे थे। जमाल शेख को उठाकर उससे जब पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसी ने अरशद बनकर मुर्शेद से पैसे ऐंठे थे। जमाल ने मुर्शेद को आसानी से धोखा दे दिया था। वह अपनी आवाज़ बदलकर बात करता था ताकि मुर्शेद को लगे कि वह किशोर से ही बात कर रहा है। मुर्शेद ने अपने बेटे को कभी नहीं देखा था। अरशद के पैदा होने से पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी और गांव छोड़ दिया था। इसी का फ़ायदा उठाकर जमाल ने मुर्शेद को ठगने की योजना बनाई। जमाल शेख ने मुर्शेद को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए भी राजी कर लिया था लेकिन वे गाँव आकर बेटे अरशद से मिलना चाहते थे। जमाल ने उन्हें टालने की कोशिश की लेकिन मुर्शेद गांव आकर अरशद से मिलने पर अड़ गए तो जमाल डर गया। उसे लगा कि जब मुर्शेद असली अरशद से मिलेंगे तो वो बेनकाब हो जाएगा। इसी डर की वजह से जमाल शेख ने अपने पड़ोसी अरशद की हत्या कर दी। अरशद जो अपने मामा के साथ रहता था उसे ये कभी पता नहीं चला कि उसे क्यों मार दिया गया। जमाल शेख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जमाल शेख ने अरशद की हत्या के बाद भी मुर्शेद को फ़ोन किया था।